हेलो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपन बात करेंगे जो एशिया कप का आज के दिन का मैच होगा, जो खेला जाएगा बांग्लादेश और यहाँ से अफगानिस्तान के बीच में। आपको पता है पहले जो दो अपने एशिया कप के मैच थे, अफगानिस्तान और श्रीलंका वाला, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान वाला, दोनों जो मैच है भाई वन साइडेड रहे हैं, जिसमें जो बांग्लादेश वाला मैच, जो श्रीलंका और अफगानिस्तान वाला मैच था, वो मैच अपना अल्ट्रा क्लीन स्वीप था। और जो कल इंडिया का भी मैच हुआ था परसों, वो भी अपना बहुत अच्छा मैच रहा था, क्योंकि उसमें अपने कैप्टन थे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने बहुत तगड़ा यहाँ पर परफॉर्मेंस करके दिया था। उसके अलावा अपने पास भुवनेश्वर कुमार भी थे, तो सारी मतलब बहुत अच्छी टीम थी दोनों मैचों की। आज के मैच में भी अपन यही उम्मीद करेंगे, बस आपको वीडियो अंत तक देखना है और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि वहां पर मैं आपको पता ही है 6 ग्रैंड लीग की टीम भी देता हूं हर मैच की। पिछले मैच में भी आपको पता होगा ग्रैंड लीग की एक टीम अपनी बहुत अच्छी गई थी, जिसमें मैंने खुद ने मिनी ग्रैंड लीग में मेरी 5th रैंक आई थी, यहाँ पर 1000 बंदों के अंदर 5th रैंक थी उस टीम से। तो आपको 6 ग्रैंड लीग की टीम भी मैं टेलीग्राम चैनल पर ही दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। देखो, अगर आपको लग रहा हो कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल पे जाओ और जाकर टीम चेक कर सकते हो, जो मैंने ग्रैंड लीग की भी दी थी और स्मॉल लीग की भी दी थी, दोनों मैचों की आप जाकर चेक कर सकते हो बिल्कुल। उसके बाद में आपको लगे तो आप जुड़ना, अदरवाइज छोड़ देना। तो देखो, जाकर एक बार चेक जरूर करो कि टेलीग्राम चैनल पर कैसे अपने दोनों मैच रहे हैं। बात कर लेते हैं आज के मैच की। 7:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। आज देखो वेन्यू चेंज होने वाला है। पहले जो दो मैच थे वो हुए थे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, लेकिन जो आज का मैच है वो खेला जाएगा शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा में। ध्यान रखना, शारजा के नाम, जिन्होंने आईपीएल देखा होगा यहाँ पर जो हुआ था दुबई में, उनको पता होगा शारजा का जो ग्राउंड है भाई, इसकी बाउंड्री डायमेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है। मतलब यहाँ पर छक्के आसानी से लगते हैं और डबल रन बनाना बहुत दिक्कत वाला है यहाँ पर काम है। तो देखो, यहाँ पर ना इस ग्राउंड की जो खासियत रही है वो देखो मैं आपके लिए लेके आऊँ। जो वर्ल्ड कप के यहाँ पर लास्ट 4 मैच हुए थे ना, वही लास्ट यहाँ पर मैच हुए थे इंटरनेशनल, चारों के चारों मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे। रीज़न क्या था पहले बैटिंग करने वाली टीम के जीतने का, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में क्या हो रहा था कि भाई विकेट अच्छा था, मतलब अच्छे शॉट्स लगते हैं, अराउंड 160 से 180 के बीच में एवरेज स्कोर बन रहा था फर्स्ट इनिंग में। लेकिन सेकेंड इनिंग जैसे ही आती थी तो स्पिनर्स को मदद मिलती थी और इस वजह से स्पिन होता था और यहाँ पर स्पिनर्स विकेट ले जाते थे। अब आप देखो, जो 4 मैच हुए हैं, पहली बात तो यहाँ से पता चल रहा है कि भाई बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती, ये लास्ट 4 मैच का रिकॉर्ड है। और देखो, जो फर्स्ट इनिंग में आप देखो 3 विकेट सिर्फ मिले हैं फास्ट को और 10 विकेट मिले हैं स्पिनर्स को, मतलब टोटल जो विकेट भी गिरे हैं ना, आप सोचो 4 मैच में टोटल 40 विकेट होते हैं, उसमें सिर्फ 13 विकेट गिरे थे। मतलब फर्स्ट इनिंग में विकेट्स बहुत कम गिर रहे थे। सेकेंड इनिंग में 17 विकेट फास्ट को, तो स्पिनर्स को 11 विकेट थे। ध्यान रखना, सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को मदद मिल सकती है। बाकी जो आधे घंटे पहले अपन को पिच रिपोर्ट पता चल जाएगी, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि फ्रेश विकेट्स होते हैं, तो इस वजह से स्पिनर्स को कम मदद मिलती है। जैसा कि अपन ने दुबई वाला ग्राउंड देखा, वहाँ पर दोनों मैच में पेसर्स के लिए अच्छी खासी हेल्प थी। तो ये चीज़ें आपको आफ्टर टॉस पता चलेंगी टेलीग्राम चैनल पर। अब देखो, इन दोनों टीमों के बीच में अब तक 8 मैच हुए, जिसमें से बांग्लादेश ने 3 जीते हैं, अफगानिस्तान ने 5 जीते हैं। हेड टू हेड में अफगानिस्तान की टीम का पलड़ा भारी है और अफगानिस्तान की टीम इस सीज़न बहुत बढ़िया फॉर्म में लग रही है। पहला मैच उन्होंने आपको पता ही है वन साइडेड जीता था श्रीलंका से। ओपन करेंगे यहाँ से हजरतुल्ला जजाई और रहमानुल्लाह गुरबाज। देखो, हजरतुल्ला जजाई की बात करूँ तो इसने बांग्लादेश के खिलाफ 4 मैच में 113 रन किए, 37 का एवरेज है, बढ़िया रिकॉर्ड है इसका बांग्लादेश के खिलाफ। पहले मैच में भी 37 नॉट आउट किया था, इंपॉर्टेंट है। रहमानुल्लाह गुरबाज पहले में 40 रन की बढ़िया पारी थी, लेकिन इसका जो रिकॉर्ड है ना बांग्लादेश के खिलाफ ख़राब है, 4 मैच में सिर्फ 32 रन है इसके बांग्लादेश के खिलाफ। तो इसको आप ग्रैंड लीग में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में नहीं। इब्राहिम जादरान भाई सबसे तगड़ा ट्रंप प्लेयर है ये। पहले मैच में 15 रन पर रन आउट हो गया था, वो भी नॉन स्ट्राइकर एंड पे, आपने देखा होगा। लेकिन ये बंदा जो है ना बहुत अच्छा टेक्निकली साउंड बैट्समैन है। अगर इनमें से कोई भी एक जल्दी आउट हुआ ना, ये सबसे तगड़ा ट्रंप बनने वाला है स्मॉल लीग में भी और ग्रैंड लीग में तो स्पेशली। रीसेंट फॉर्म देख लो इसका, 29-17-36-1-8 है। तो मेरे हिसाब से ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग का ट्रंप है। नजीबुल्ला जादरान 2 नॉट आउट किया पहले मैच में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जब यहाँ पर पहले बैटिंग करेगी अफगानिस्तान की टीम। 7 मैच में 63 रन 12 का एवरेज, हेड टू हेड में इसका भी रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। T20 में इसके नाम 79 मैच में 1489 रन है, इम्पोर्टेंट प्लेयर बन सकता है। करीम जनात पहला मैच खेला, बैटिंग बॉलिंग कुछ भी इसको नहीं मिली थी और कैच छोड़ा था इसने एक। 7 मैच में 14 रन 4 विकेट, इसका हेड टू हेड का रिकॉर्ड है। ग्रैंड लीग में रख सकते हो, स्मॉल लीग का प्लेयर नहीं लगता मेरे को।
मोहम्मद नबी आएंगे यहाँ से। पहले मैच में 2 विकेट निकाले थे, अच्छी बॉलिंग करवाई थी इन्होंने और बांग्लादेश के खिलाफ इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, 8 मैच 141 रन 5 विकेट हैं। CBC आप ट्राई कर सकते हो इनको। यहाँ से आएंगे अजमतुल्ला ओमरजाई, ये भी ग्रैंड लीग का जो डिफरेंशियल पिक अगर अपन ढूंढ रहे हैं ना कोई ग्रैंड लीग का, तो एक ये रहेगा। पहले मैच में एक ओवर डाला, इसके ओवर में लगभग मेरे को जहाँ तक पता है 4 या 5 चौके लग गए थे और उसके बाद में इसने बॉलिंग नहीं कराई। लेकिन इसका आप रिकॉर्ड देखो, बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैच खेला है जिसमें 20 रन और 5 विकेट हैं। तो बांग्लादेश के खिलाफ खेलना पसंद है तो इसको देखो, बहुत कम लोग लेंगे। तो ग्रैंड लीग में ऐसे ही प्लेयर को आपको ढूंढना होता है। राशिद खान पहले मैच में विकेटलेस रहे थे, लेकिन इनका जो रिकॉर्ड है देखो ध्यान से, 7 मैच में 14 विकेट है बांग्लादेश के खिलाफ। और आज मेरे वाइस कैप्टन यही रहेंगे क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है। फजल अक फरूकी पहले में 3 विकेट थे, 2 मैच में 5 विकेट, हेड टू हेड का इनका भी रिकॉर्ड तगड़ा है, मस्ट पिक रहेगा, स्टार्टिंग में बॉलिंग कराता है। नवीन उलग के नाम पहले में 1 विकेट था, हेड टू हेड में इसके नाम 1 मैच में 2 विकेट है। मुजीब के नाम पहले मैच में 2 विकेट थे, 6 मैच में 7 विकेट, ये इसका हेड टू हेड का रिकॉर्ड है। और करियर में 29 मैच में 40 विकेट है। अब देखो यहाँ से कौन कौन इंपॉर्टेंट रहेगा, तो देखो अभी मैं पिक करूँगा जजाई को रखूँगा, रहमानुल्ला गुरबाज को रखूँगा। यहाँ से नीचे से मैं यहाँ पर देखो मोहम्मद नबी, राशिद खान, फजल अक फरूकी और मुजीब को रख रहा हूँ। अब आपके पास चॉइस है कि आप नवीन उलग या फिर नजीबुल्ला जादरान, इन दोनों में से किसी एक को पिक करके चल सकते हो स्मॉल लीग के टाइम में। बेंच पे जो भी इनके प्लेयर्स हैं इनमें से कोई खेलता है तो उसके स्टैट्स आपको मिल जाएंगे। और इनकी तरफ से देखो, जो पहला मैच हुआ था वहाँ पर स्टार्टिंग के ओवर्स डाले थे नवीन उलग और फजल अक फरूकी ने, डेथ के ओवर डाले थे नवीन उलग, फजल अक फरूकी और मुजीब ने। अब बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि बांग्लादेश की टीम की। बांग्लादेश की टीम में मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा सरप्राइजिंग चेंज आपको देखने को मिलेगा, आपने आज दिन तक मुस्तफिकुर रहीम को ओपन करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन ये आपको ओपन करते हुए मोस्ट लाइकली नजर आएंगे क्योंकि ये बात इनके कोच ने बोली है। हेड टू हेड में इनके नाम बांग्लादेश के खिलाफ 7 मैच में 149 रन 24 का एवरेज है। और रीसेंट फॉर्म 52 नॉट आउट 25 और 0 है इनका T20I में रिसेंटली। नईम शेख की बात करूँ तो 34 T20I में 809 रन करियर का रिकॉर्ड है। हेड टू हेड में अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैच में सिर्फ 15 रन है, उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। और रिसेंट फॉर्म जो इनका है ये लिस्ट ए का है, लिस्ट ए समझ रहे हो, 50 ओवर के जो मैच होते हैं ना डोमेस्टिक लेवल पे बांग्लादेश में, वहाँ का रिकॉर्ड है। 16 39 0 103 3 है। शाकिब अल हसन टीम की कप्तानी संभालेंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ 8 मैच में 137 रन 10 विकेट है, कैप्टनसी की चॉइस है आज के मैच के। रिसेंट फॉर्म 29 रन 68 नॉट आउट 1 विकेट और 5 रन 1 विकेट है, बहुत बढ़िया फॉर्म है इनका भी। आफिफ हुसैन आएंगे यहाँ पर, करियर में 47 मैच में 698 रन 8 विकेट है। अफगानिस्तान के खिलाफ 4 मैच में 50 रन 2 विकेट है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ T20I में तो 50 रन 1 विकेट 10 रन 0 विकेट 30 रन 0 विकेट 39 नॉट आउट है। ये इनका वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ था, ये लास्ट के 3 मैच शायद यहाँ पर जिम्बाब्वे के खिलाफ थे। फिर आएंगे ऐसे महमूदुल्ला, 8 मैच में 169 रन 4 विकेट इनके नाम है करियर में, और मतलब हेड टू हेड में अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छा है इनका भी रिकॉर्ड बैटिंग से। रिसेंट फॉर्म T20I में 8 11 22 रन 0 विकेट 27 रन 1 विकेट है। मोसद्दीक हुसैन की बात करूँ, करियर में 21 मैच में 238 रन 13 विकेट है। और यहाँ पर अगर बात करें अपन हेड टू हेड में तो 4 मैच में 45 रन 2 विकेट है। रिसेंट फॉर्म T20I में 10 रन 0 विकेट 13 रन 1 विकेट 5 विकेट 1 विकेट है। थोड़ी सी इन्होंने अपनी बॉलिंग जो है ना काफ़ी बेहतर की है पहले से मुसद्दिक हुसैन ने। मोहम्मद सैफुद्दीन भाई बहुत टाइम के बाद ये बंदा कम बैक कर रहा है, तगड़ा प्लेयर है भाई, ऑलराउंडर बोलता हूँ मैं इसको, क्योंकि आपने देखा होगा वर्ल्ड कप जो हुआ था ना 2019 का, उसमें भी ये खेला था और बहुत अच्छा खेला था। करियर में इसके नाम 29 मैच में 196 रन 31 विकेट है। और देखो अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैच में 5 विकेट है, हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा है। और रीसेंट फॉर्म इसका भी लिस्ट ए का ही है 50 ओवर वाले मैचों का, लेकिन जो आखिरी तीन इसने मैच खेला ना लिस्ट ए के, वो देखो आप 30 रन 1 विकेट 44 रन 2 विकेट 62 रन 0 विकेट, बहुत तगड़ी बैटिंग और बॉलिंग करके आ रहा है लिस्ट ए में। महीदी हसन आएंगे यहाँ पर, राइट हैंड बैटिंग ऑफ ब्रेक बॉलिंग कराएगा। करियर में 36 मैच में 244 रन 29 विकेट है, और हेड टू हेड में 2 मैच में 1 विकेट है। रीसेंट फॉर्म की बात करूँ तो इसके नाम देखो 1 5 रन 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 22 रन 2 विकेट है। नसूम अहमद स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है और बहुत अच्छी बॉलिंग करवाता है, 24 मैच में 29 विकेट करियर का रिकॉर्ड है। और अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैच में 4 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 7 नॉट आउट 2 विकेट 0 2 रन 1 विकेट है। मुस्तफिजुर रहमान 63 मैच में 87 विकेट करियर का रिकॉर्ड है, हेड टू हेड में रिकॉर्ड ख़राब है, 4 मैच में सिर्फ 2 ही विकेट है। और रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। रिसेंट फॉर्म इनका ना उतना तगड़ा है नहीं जिस लेवल का ये प्लेयर है। तस्कीन अहमद 35 मैच में 23 विकेट करियर का रिकॉर्ड है, हेड टू हेड में आज दिन तक कोई मैच नहीं खेले। रिसेंट फॉर्म आप देखो, लास्ट के 5 मैच में विकेट लेस रहा है बंदा, तो रिसेंट फॉर्म इसका अच्छा नहीं है।
अभी देखो मैं इनकी तरफ से सिर्फ रखूंगा 4 या 5 प्लेयर मैक्सिमम। मुशफिकुर रहीम और नईम शेख में से आप चाहो तो किसी को पिक कर लेना। मैं यहाँ पर पिक करूँगा साकिब अल हसन, अफीफ को रख सकता हूँ यहाँ से, महमदुल्ला को रख सकता हूँ, और मोसद्दीक को रख सकते हैं, और मोहम्मद सैफुद्दीन को रख सकते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान और नसू मोहम्मद से में से किसी को पिक कर लो, लेकिन अभी मैं ट्राई इनको नहीं कर रहा हूँ। बेंच पर भी इनके प्लेयर हैं, उनके भी स्टेट्स आप अच्छे से देख लो। सब्बीर रहमान है, इसने देखो करियर में 44 मैच में 946 रन किए, 6 विकेट हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ 5 मैच में 38 रन, सिर्फ 9 का एवरेज और 0 विकेट हैं। और रीसेंट फॉर्म लिस्टे का ही इसका है, जो 50 ओवर के मैच होते हैं, 38, 90, 36, 3, 62, 9 बैटिंग। मतलब डोमेस्टिक लेवल पे तो अच्छा किया है। इबादत हुसैन की बात करूँ तो अब तक इसका T20 डेब्यू नहीं हुआ है, 43 मैच में 42 विकेट, ये इसका T20 डोमेस्टिक का रिकॉर्ड है। रीसेंट फॉर्म 1 विकेट और 2 विकेट है। मोहम्मद परवेज हुसैन इमोन, इसने भी सिर्फ एकमात्र T20 का मैच खेला जिसमें 2 रन है। T20 डोमेस्टिक में इसके नाम 26 मैच में 572 रन, 22 का एवरेज है। रीसेंट फॉर्म लिस्टे में 17-7, 14-76, 2 उतना अच्छा नहीं है। अनामुलक, अगर नईम शेख नहीं कहता है तो अनामुलक आपको ओपन करके देगा, ध्यान रखना। करियर में 19 मैच में 940 रन, 25 का एवरेज है। हेड टू हेड में अफगानिस्तान के खिलाफ सिर्फ एक ही मैच खेला था, उसमें अच्छा किया था, इसने 44 रन किए थे। और रिसेंट फॉर्म 16-3, 10-26, 16-14 है इसका। महीदी हसन मिराज, 13 मैच में 94 रन, 10, 4 विकेट करियर का रिकॉर्ड है। हेड टू हेड में 1 मैच में 0 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 16 रन, 0 विकेट है, 1 विकेट है, 15 रन, 2 विकेट है, 14 रन, 1 विकेट है। तो एनालिसिस वाला जो पार्ट था यहाँ तक हो चुका है कंप्लीट। देखो इनकी तरफ से स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे तस्कीन अहमद, मोहम्मद सैफुद्दीन और नसूम अहमद। डेथ के जो ओवर डालेंगे मुस्तफिजुर रहमान, मोहम्मद सैफुद्दीन और तस्कीन अहमद। एनालिसिस वाला जो पार्ट है इस मैच का, मैंने आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझा दी है। अगर आपको मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अब यहाँ पर चलते हैं डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम में भाइयों आप देख सकते हो कि मैंने ना विकेट कीपिंग सेक्शन से यहाँ पर पिक किया है, रहमानुल्लाह गुरबाज़ को मैंने यहाँ पर पिक किया हुआ है। और बैटिंग सेक्शन से मैंने 3 बैट्समैन यहाँ पर पिक किए हैं अभी के लिए, महमूदुल्ला, नजीबुल्ला जादरान और हजरतुल्ला जजाई। और यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने रखा है साकिब अल हसन, मोसद्दिक हुसैन, और यहाँ से मोहम्मद नबी को मैंने अपनी टीम में रखा है। इसके अलावा बॉलिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पर मोहम्मद सैफुद्दीन को रखा है, बहुत डिफरेंशियल पिक है ये। राशिद खान को रखा है, मुजीबुर रहमान को रखा है, और नीचे आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं बता दूँ फजल अक फरूकी को रखा है। और कप्तान मेरे इस मैच में रहेंगे साकिब अल हसन, वॉइस कैप्टन मेरे यहाँ से राशिद खान है। आप चाहो तो वॉइस कैप्टन आप यहाँ पर नबी या फिर रहमानुल्लाह गुरबाज में से भी किसी को बना सकते हो, लेकिन अभी के लिए मेरी टीम यही रहेगी। इस टीम में देखो आफ्टर टॉस डेफिनेटली चेंजेस हो सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल फ्री है, टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो और मेहनत पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और बेल वाला आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू।